गाइज मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है। सरप्राइज है मम्मी के लिए। ऊपर देखो। अरे ये देखो। हे गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे फटाफट से निपटाने हैं सारे काम, तो अभी फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ। तो पहले पी लेती हूँ पानी और उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाते हैं। तो घर का मैंने सारा काम निपटा लिया है और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। तो अभी विवान तो भी सो रखा, उसको छोड़ के जाऊँगी क्योंकि उसको हस्बैंड देखते रहेंगे बीच बीच में। तो मैं अभी जा रही हूँ तैयार होने क्योंकि मुझे जाना है वेलफेयर, जो फैमिली वेलफेयर है तो कहीं बाहर है तो वहाँ जाना है। तो जल्दी से जाती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। जी मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और मैंने पहनी है साड़ी। तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और जाने के लिए। तो वहाँ से घूम के आ जाते हैं और तो मिलते हैं आप लोगों को बाद में। तो टाइम भी हो गया है क्योंकि 9 बज गए हैं और 10-20 मिनट और रह रखे हैं। तो मैं पहले ही तैयार हो गया क्योंकि एक तो साड़ी पहनने में बहुत टाइम लग जाता है और साड़ी मुझे दीदी ने पहनाई और तैयार होने में, और वैसे भी मेरी सारी साड़ियाँ स्टिच है लेकिन ये वाली साड़ी स्टिच नहीं है तो टाइम लग जाता है। तो चलो चलते हैं अभी। तो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है। तो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके हम जाने के लिए वेलफेयर में। तो चलो चलते हैं। नहीं, हाई स्कूल में सारे बच्चे जाएंगे क्या? उस बच्चे भी तो यहीं रहेंगे, वो कंपलसरी नहीं इंटर में होते क्योंकि मैं पहुंच चुकी हूँ घर वेलफेयर अटेंड करके। तो अभी एक बज चुकी है, काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी अच्छा लगा है वहाँ पे अलग अलग नई नई फैमिलियों से मिलके और मैडम लोगों से मिलके। तो अभी आ गई हूँ घर और अभी करती हूँ चेंज क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और गर्दन में तो इतनी दर्द हो रही कि पूछो मत। तो अभी चेंज कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, 10 बजे के बाद से लाइट नहीं है और गर्मियों में हमेशा यही गर्मी होती है यहाँ पे, अक्सर लाइट नहीं होती है। तो सुबह की जा रखी है लाइट 10 बजे की और अभी तक नहीं आई। एंड वो तो सही हो कि कल और परसों दो दिन बारिश हो गई तो उसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा और काफ़ी ठंडा हो रखा है तो गर्मी नहीं हो रही है। तो मैंने सब्जी काट दी और अभी जा रही हूँ मैं विवान घूमने। मेरी मदद कर रहा है किचन में, अभी लाइट नहीं है और तो ये टॉर्च खरीद के लाया था बिबू और ये हाथ में देखो टॉर्च लेके वो कर रहा है कि मम्मी आप वीडियो बना रहे हैं ना, तो चलो मैं दिखाती हूँ। तो मेरी शाम की जो सब्जी है वो कट चुकी है। तो आज मैं शिमला मिर्च और आलू और प्याज लहसुन ये सब शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैं और विवान जाएंगे पहले घूमने। तो सब्जी तो मैंने काट दी तो इसको रख देते हैं अभी और हम जाते हैं घूमने, ठीक है बिबू? अभी एक्सरसाइज पार्क और बच्चों के लिए स्लाइडिंग है, बिबू है, बेबो है, बेदू है। बेदू कहाँ गई? बेदू बेदू ये देखो आज बेदू भी आ रखी, बैठ जाओ नीचे आराम से। ये देखो आज बेदू, पहले पहले तो फिसल जा। ये देखो बेदू भी है तो ये स्लाइड में फिसल रहे हैं, बिबू बेदू और विवान भी है। नीचे बैठ जाए, गिर जाएगा नहीं करेगी। अब बेदू इस पे पहुंच ही नहीं पाएगी, ये वैभव कर रहा है एक्सरसाइज है ना, बेदू करेगी नहीं पहुंच पाएगी, आंटी के साथ करेगी, रुक जा। हेलो गाइस, एक्सरसाइज करने की, ठीक है बिबू गिरना नहीं। रात भी हो गई है काफी और बिबू को डर लग रहा है। बेदू तुझे कहाँ झूलना है? यहाँ पे झूलूंगी, चलो बैठो। तो ये एक्सरसाइज का बेली फैट कम करने का और ये तीनों ने अपनी गाड़ी बना दी इसमें, ये देखो। और विवान आ गए अभी घर और टाइम हो गया 9 और फाइनली अभी लाइट आ चुकी है, सुबह की जा रखी थी और अभी आई और 9 बज रहे हैं। तो हम लोग नीचे बैठ गए थे क्योंकि जब लाइट थी नहीं तो हम लोगों ने घर पे करना क्या था। तो अभी लाइट आ गई तो हम ऊपर आ गए। तो अभी जा रही हूँ मैं अब खाना बनाने, तो अभी अब खाना बना लेती हूँ। मम्मी आपके छोटे कमरे में, तो मेरे बेटे ने जी मेरे लिए सरप्राइज रखा है कुछ, तो मैं जा रही हूँ उस कमरे में तो देखती हूँ मेरे बेटे ने क्या सरप्राइज रखा है। सरप्राइज है मम्मी के लिए। ऊपर देखो। अरे ये देखो ये क्या है भाई, ये सरप्राइज है, ये मेरे लिए लाए? हाँ। क्यों मेरे लिए क्यों लेके आए? चाहिए था ना। अच्छा ये वाला सरप्राइज था। हाँ। क्या बोलते है इसको, क्या क्या था मेरे लिए? बलून। नहीं नहीं क्या करा था? बलून इसका नाम।
गाइस आज के लिए बस इतना ही और इस ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ को खूब इंजॉय करिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।